updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, अफजाल अंसारी ने नामांकन तो दाखिल कर लिया है, अपनी बेटी का भी नामांकन दाखिल करवाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि उन पर मुकदमा दर्ज है। और इस कड़ी में अब उनके वकील ने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दे दिया है। बताया है कि अफजाल अंसारी को जो है वो फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, उनका हत्याकांड में कोई भी रिश्ता नहीं है। और क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात करें तो गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी के वकीलों ने पक्ष रखा। 20 मई को अभियोजन और कृष्णानंद राय के परिजनों की वकील की बहस करेंगे। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत में हो रही थी। अफजाल अंसारी के वकील गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी ने दया शंकर मिश्रा ने उन्हें बेगुनाह बताया। कहा, 5 बार के विधायक और 2 बार सांसद चुने गए। अफजाल अंसारी के पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और अब उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। कहा गया कि षड्यंत्र के तहत पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के कई साल बाद उनके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। गवाहों के बयानों से साफ है कि हत्या के मामले से अफजाल अंसारी का कोई भी रिश्ता नहीं है। यह मामला भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। गाजीपुर की MP MLA की विशेष अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को उन्हें दोषी करा देते हुए 4 साल की कैद और 1,00,000 रुपए का जुर्माना सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसके कारण उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अफजाल अंसारी को मिली सजा पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट में लंबित अपील को 30 जून तक निस्तारित करने का आदेश दिया था। इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ अफजाल की ओर से दाखिल सजा पर एक और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की सजा को बढ़ाए जाने की अपीलों पर एक साथ सुनवाई कर रही है। फिलहाल राजनीतिक संकट टल गया है। सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। MP MLA कोर्ट से मिली सजा उनके राजनीतिक सफर में रोड़ा बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ कोई विपरीत आदेश पारित नहीं हुआ। इससे फिलहाल उनके चुनाव लड़ने को लेकर उपजा संकट टल गया है। बाकी जिस तरीके से वकील ने बयानबाजी किया है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार अफजाल अंसारी हो रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया।